हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आज आप लोगों को जेसर पार्क चौपाटी, मुंबई वेसर जेसर पार्क चौपाटी लेके घुमाने आई हूँ। देखिए आप ये ब्लॉग मेरा कैसा है, बहुत अच्छा है। शाम को मैं इस वॉक के लिए निकली थी, मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, देखिए पूरा बीच के समुद्र की खाड़ी है, यहाँ पर सब लोग घूम रहे हैं। देखिए पहले मुझे दो प्यारे प्यारे किटन दिखे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनका वीडियो बना लूँ, फिर आपको और भी दिखाती हूँ। मैंने एक बार दिखाया था, बोला था पूरा नहीं, अभी कोरोना काल की वजह से लॉक है खाड़ी, कोई खुली नहीं है। तो थोड़ा इधर उधर जो जगह मिलती है तो पब्लिक वॉक करती है, कहाँ पब्लिक मानने वाली है। देखिए दो किटन है, बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, दो तीन चार दिए हैं, ये लोग अपना मस्त घूम रहे हैं यहीं पे बाहर। यहाँ पे जैसे पार्क के अंदर ये खाड़ी पे बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं, मतलब खेलने का, बच्चों के फुटबॉल का कुछ प्रोग्राम होते हैं। फिर उस गार्डन है, फिर गार्डन के आगे म्यूनसिपैलिटी ने बनाया है गार्डन, जो है अपने खुद के अपने वो बनाया है। और जगह बड़े बड़े ग्राउंड है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ वो चलते रहते हैं, रामलीला होती है, गीता का पाठ होता है, कुछ भी फंक्शन होता है तो लोग अपना म्यूनसिपल से वो ऑर्डर लेकर के करवाते हैं। एक हफ्ते का भागवत गीता पाठ चलता है, रामायण होती है पूरे वहाँ पे, नवरात्रि के समय सब चंडी का पाठ होता है। फिर उसके आगे खाड़ी है, समुद्र है उसके आगे, तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा ये जो मतलब इतना मतलब यहाँ पे समुद्र में जाने के लिए देखिए थोड़ा सा मना है कि ये जो यहाँ का जो वो है समुद्र की जो एरिया है वो बहुत ऊंची नीची है, बहुत सब ऐसे सब मतलब डेथ इंसिडेंट भी सुने गए हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि अंदर जा कर के आप लहरों का आनंद लो, हाँ बैठ के आप देख सकते हो, बनाया है बहुत अच्छा। मैं जब ये अभी तो दो साल से बंद ही चल रहा है, अभी एक महीने के लिए खुलता फिर बंद हो जाता ओमिक्रॉन ये कोरोना की वजह से। जब खुलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी उसका भी, बहुत अच्छा है। बोट तो चलती रहती है, पब्लिक लोग बच्चों को लेके मतलब वॉक करते हैं। फिर एक ब्रिज भी है जो भयंदर और नायगांव को जोड़ता है, उसको जो है ये देखिए यहाँ पे ये है गार्डन है बच्चों को खेलने के लिए, खाड़ी के पास में ही ग्राउंड पे बना हुआ गार्डन है बच्चों को खेलने के लिए। ये दो किटन मुझे मिल गए तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं किटन, जानते हैं एनिमल, मैं तो एनिमल लवर हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने सोचा कि पहले मैं इनकी ले लूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे ये लोग निर्जीव होते हैं, फ्रेंडली लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं उससे, तो मुझे लगता है कि सबको थोड़ी दया करनी चाहिए। इंसान तो सोच विचार करने वाला प्राणी है, पर ये तो निर्जीव है, इनको तो देखिए किसी ने भी डाला तो लोग खा रहे, आज मैं कुछ लेके गई नहीं। ये दोनों कोई करे देखिए क्या स्कूटर पर चढ़ रही है ये, अभी अभी चार पाँच दिन पहले ये पैदा हुई थी, एकदम छोटी सी थी, मैं आई थी वॉक करने तो देखा था मैंने। अभी देखिए कितने मस्ती खोर हैं यहाँ पे, शाम को आप देखेंगे तो ऐसे कपल, बूढ़े अंकल आंटी नाना नानी सब लोग वॉक करते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं बहुत। ये बहुत ही नॉटी है, भाग भाग जा रही है उसी स्कूटी के पास में घूमने के लिए, स्कूटर वाले के पास में खेलने के लिए ये जा रही है। ये दोनों बहनें हैं, ये देखिए ये जो है, कहीं माँ ने जगह पाया था तो अपना दे दिया था बच्चे, अब माँ कहीं चली गई है और ये लोग कोई जाते हैं बच्चे कुछ खरीद के खाते हैं। यहाँ पे शाम को बड़ा अच्छा माहौल होता है। जूहू चौपाटी तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन जूहू चौपाटी से कम नहीं है, सब आपको बुद्धी के बाल पानी का ये गोल गप्पे वड़ा पाव सब चीज़ें मिलता रहता है, फलूदा खाओ अपना खूब घूमो वहाँ पे। अभी तो बंद हो गया तो थोड़ा सा पानी का लोग इंजॉय नहीं कर पाते हैं समुद्र का, लेकिन फिर भी ग्रीनरी बहुत है, गार्डन बने हुए हैं तो गार्डन का लोग जो है खूब खेलते वेलते हैं गार्डन में, बच्चे बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, पेपर पढ़ने के लिए भी है, और वहाँ छोटा पुलिस चौकी भी बन गया है, कुछ प्रॉब्लम हो तो अपना बहुत अच्छा है। बाथरूम बने हुए हैं, यदि किसी को जाना है तो वहाँ पे जा सकते हैं, वो लोग पैसे लेते हैं। और गार्डन तो बहुत सारे छोटे बड़े, और ग्राउंड खेलने के लिए बालाजी ग्राउंड है, बहुत सारे राम आपसे ग्राउंड है, मतलब फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, सब ग्राउंड बहुत बने हैं खेलने के। देखिए ये बच्चों के खेलने का गार्डन है, ये देखिए बच्चे खेलते हैं शाम को आकर के इसमें। अभी ये बंद चल रहा है, बंद किया है अभी, चूँकि थोड़ा ज़्यादा केसेस बढ़ गया है तो खोल बंद कर दिया इन्होंने 14 जनवरी के बाद से। अभी देखो कब तक बंद रखते हैं, तो बच्चे नहीं जाने, नहीं तो शाम को पूरी बच्चों से भरा रहता है, पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, बच्चे खेलते हैं, खूब झूला है यहाँ पे,
हाइड एंड सीक से बहुत सारे हैं वहाँ पे। मैं बाहर से ही ले रही हूँ, अंदर से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अंदर जाने को अलाउ नहीं करेगा वो मुझे। इस समय ये देखिए वॉक कर रही हैं ये लोग, ये वॉकिंग ट्रैक है, जॉगर ट्रैक्स है यहाँ पे, ये पब्लिक वॉक करती है। इस साइड में भी गार्डन है, गोल गार्डन है, बहुत अच्छा है ये। तो देखिए ये आपको दिख रहा है जो, ये तो बच्चों को खेलने का है, किड्स किड जोनिया है ये, बच्चे खेलते रहते हैं इसमें जो है, उनको पेरेंट्स ला के लाते। खूब छोटे झूले बड़े झूले सब, मैं बच्चे बड़े मेरे भी बच्चे छोटे थे तो मैं लाती थी इधर यहाँ पे। अभी देखिए बंद पड़ा है पूरा, नहीं शाम को यहाँ पे एकदम जगह नहीं रहती इतना, एकदम पास में। और हम लोगों का घर बिल्कुल खाड़ी के पास में, बगल में ही मैं रहती हूँ, मेरी टावर है वहाँ से। और जितने ऊपर आप उसमें रखिए तो खूब अच्छी हवा आती है, और पूरा समुद्र, मतलब वो जू वाला समुद्र तो नहीं दिखता, फिर भी समुद्र दिखता है, बहुत अच्छा लगता है इधर। मैंने बताया ना आपको, जिसर पार्क बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे 3 महल की बिल्डिंग है, फिर 14-15 महल की हैं, फिर रो हाउस बने, फिर उसके बाद में बंगलो बने हुए हैं, बंगलों में बड़े बड़े बिल्डर लोग जो हैं, 50 करोड़ के बंगलो होंगे, तो हम तो उसमें लोग रहते हैं, वो लोग बड़े बिजनेसमैन लोग जो हैं इधर। ये देखिए ग्राउंड है अपना बहुत, अभी मैंने थोड़ा अंदर से लिया हाथ डाल के, बहुत अच्छा लगता है। आप ये घर पे कोई रिलेटिव्स अगर भी लेकर आइए तो यहाँ पे पूरे खाड़ी घुमा दीजिए, पूरा दिन बीत जाता पता नहीं चलता, बच्चे भी इंजॉय करते हो, खाने पीने की भी चीज़ें सब मिलती हैं, स्टॉल लगे हुए रहते हैं, खूब खाओ अपना फलूदा जो भी खाना है आपको, चाट चाट मसाला पानी पूरी जो भी खाना है अपना खाइए और घूमिए। बच्चे खेलते हैं, बड़े लोग भी खेलते हैं फुटबॉल यहाँ पे, सब ग्राउंड बहुत स्पोर्ट्स के ग्राउंड फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत हैं। ये देखिए इधर उधर रेजिडेंशियल एरिया है, कि मेरा बार बार कैमरा जो इन्हीं को कवर करा, मैं आगे कवर करना चाह रही हूँ। ये बच्चों का किड जेनिया है, यहाँ बच्चों वाला गार्डन है ये छोटे बच्चों का। अभी मैं चल रही हूँ आगे, देखिए हाँ देखिए अभी हम इधर आ गए। ये जो है आपको किडजनिया ख़त्म होता है तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने इतना सारा लिया है फोटो, देखिए यहाँ पे। उसके आगे आप देखेंगे उस जो दिख रहा है सामने आगे, उसके आगे समुद्र है, देख जाएंगी तो, क्योंकि बहुत जगह लोगों ने लॉक लगा करके चैनल लगा के बंद कर दिया है, जाने नहीं दे रहे हैं। जो इधर थोड़े से ही जागर्स पार्क है उधर ही लोग बैठे हुए हैं, उधर ही वॉक कर रहे हैं, अंदर की साइड में जाने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि बहुत केसेस महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहे हैं। अभी 40-50 लोगों की एक दिन में डेथ भी होगी, तो बहुत। ये देखिए बुड्ढी का बाल बेच रहा है, हमको भी बुड्ढी का बाल बहुत पसंद है, हम भी आते हैं तो खाते हैं, सब चीज़ें मिलेंगी आपको सब चीज़ें, क्योंकि अभी थोड़ा सा पब्लिक नहीं आ रही है तो स्टॉल भी कम लग रहे हैं। कितने में रहता है देखिए, हाँ ये बुड्ढी का बाल, यहाँ से देखिए वो ग्राउंड, देखिए वो पानी सब बेच लेता है ना, वो थोड़ा पानी आ रहा है समुद्र का अंदर तो जाने कितना जो से वो पूरा समुद्र का आपको दिखाती 500 रुपए का तो तेरे को प्रॉफिट कितना होता उसमें जो आपको हाँ हाँ जरा जोर से बोल कितना होता है 200 रुपए होता है और यूट्यूब भी देख रहा है कितने का बेच लेते हो भैया तुम कहाँ रहता है इधर ही दहीसर से आता है देखिए पानी दिख रहा है ना थोड़ा सा ही पानी दिख रहा है ये भी ग्राउंड है देखिए बंद है सब गेट नंबर 3 गेट नंबर 4 उसमें ये देखिए ये लोग वॉक कर रहे हैं मैंने उससे पूछा कितने का बेचता है तो उसने बोला कि 400-500 का बेची ये देखिए खाड़ी दिख रही है वो अंदर का ग्राउंड है बंद है ये देखिए इन्होंने लॉक करके पूरा खींच के कर दिया है ये देखिए कुछ स्टॉल थोड़े बहुत लगे हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ वो पानी पूरी सब चीज़ के स्टॉल है ये देखिए नारियल के पेड़ ये भी गोल्ड ग्राउंड है बहुत अच्छा अंदर अंदर आप पूरा वॉक कीजिए काफ़ी ये देखिए ये थोड़ा पानी दिख रहा है उधर किचनिया है इधर भी ये भी ग्राउंड है बहुत ग्राउंड है यहाँ पे आप जो है रेजिडेंशियल एरिया दिख रही है इस साइड में ये देखिए आपको जो है यही मैं दिखा रही हूँ ये देखिए दिख रहा है पानी का थोड़ा और सब बंद है कुत्ते घूम रहे हैं और तो नहीं कोई है इधर यहाँ पे बहुत ही अच्छा है ये देखिए ये गार्डन इधर है इधर एक गार्डन है
और काफी, ये जो अंदर का गार्डन गोल गार्डन है कम देर के लिए ही खुलता है, पर बहुत अच्छी ग्रीनरी है। और फ्रेंड्स आप अंदर जाएंगे तो इतने टाइप्स के फ्लावर्स हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। शाम को जॉगर्स पार्क भी उसमें बना हुआ है तो अंदर खुलते हैं इनका, जो 5 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है, पर वो दिन में पूरे दिन नहीं खुला रहता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं वहाँ पे। आप जो है देखिए कहीं के भी, मैं इतने इतने फ्लावर्स इसके अंदर हैं, इतने फ्लावर्स हैं। कभी मैं आती हूँ, मैं बिल्कुल यहीं बगल खाड़ी के बगल में ही रहती हूँ, तो मैं वॉक करने के लिए ऐसे भी हम लोगों को मतलब घर में से निकलो तो खाड़ी पे पहुँच जाओ। हमारे जैसल पार्क से खाड़ी बहुत ही अच्छी है, दूर दूर के लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये देखिए थोड़ा अंदर से मैं दिखा रही हूँ आपको ग्राउंड वाले गार्डन का, बहुत अच्छा लगता है बहुत। इस पर ये देख रहे हैं आप ना, इस पर बैठते हैं हम लोग आकर के। अभी बंद किया इन्होंने पूरा, देखिए उसके अंदर आप जाएंगे, मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये खुलता भी है शाम को सिर्फ 2 घंटे के लिए ही खुलता है, दिन भर बंद ही रहता है। सुबह 2 घंटे के लिए खुलता है और शाम को पब्लिक वॉक करती है, बैठती है, योगा करते हैं लोग बैठ के, मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है एकदम। तो समुद्र की ठंडी ठंडी हवा। ये देखिए रेजिडेंशियल एरिया है, किसी बिल्डर की जगह है, उसने अपना ये लगा दिया है पत्रा यहाँ पे। ये देखिए बर्फ वाला है ठंड, ये देखिए पानी पूरी वाला है ये है, और फलूदे वलूदे वाले हैं उधर, उनका स्टाल है, मैं नहीं ले पा रही हूँ। ये देखिए झूले हैं। ये बोले ना कि थोड़ा पब्लिक ज़्यादा भी गैदरिंग हो रही है तो पुलिस पूरा चिल्लाने लग रही है। ये देखिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड ये है राम कापसे फुटबॉल ग्राउंड है, ये मैदान है। इसमें बच्चे आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं, शाम का समय है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है फ्रेंड, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। और जो है इसमें बच्चे खेलते हैं शाम को आकर के, दिन में भी खेलते रहते हैं। ये थोड़ा खुला ही रहता है हमेशा, मैं देखती हूँ वॉचमैन रहता है, पर बच्चे जाके मैं देखती हूँ। अभी ठंडक का मौसम है तो कभी क्रिकेट हॉकी फुटबॉल कुछ ना कुछ देखिए बच्चे खेल रहे हैं। इतना ओमिक्रॉन बड़ा हुआ तो भी बच्चे किधर मानने वाले, ये लोग खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी हम लोग तो बच्चे नहीं हैं कि खेलें, फिर हाँ देखिए वो आपको मैंग्रोव दिख रहे हैं, उसके आगे खाड़ी है, ये देखिए उस वॉचमैन के साथ धरवर है ये। बहुत ही मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है यहाँ पे, देखिए हाँ ये देखिए फ्रेंड, इसके मैं नहीं दिखा पा रही। उधर जो एक और गार्डन है वहाँ पे ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे मतलब वो हाथ से सर्कल ऐसे गोल गोल करना सब करना, फिर ऐसे अप डाउन करना, उसमें अच्छा खासा आपका एक जिम का जिम जैसे बना हुआ है सब जो है, उसमें आप जाके जिम कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है। और वो जो अभी बंद है उसमें, उस पर मैं कैमरा ले भी नहीं जा पा रही हूँ, दिखाऊंगी। हाँ ये देखिए ये लंबा वाला जॉगर्स पार्क है, पब्लिक देखिए आ रही है, ये लोग अपना जा रहे हैं वॉक करने के लिए, शाम को लोग निकल गए हैं, शाम का समय है। मैं ये वीडियो 5:30 बजे ही ले रही हूँ कि आप लोग, बहुत अच्छा है फ्रेंड, जैसल पार्क इतना बढ़िया है कि लोग उसको मतलब वो मानते हैं। मैं यहाँ से लेके बांद्रा तक चली गई पर मुझे जैसल पार्क जैसी जगह नहीं मिली, घर में बैठ के समुद्र की हवा ले गई जी, क्योंकि वो मुंबई की क्रिक जब आती है जैसल पार्क तो गोराई बीच होते हुए इधर भाईंदर होते हुए फिर उधर घोटबंदर होते हुए नवी मुंबई साइड में निकल के जाके फिर मिल जाती है। ये देखिए फिर जो है ये देखिए सब मैंग्रोव के पेड़ को, एक पेड़ भी आप इनको काटोगे ना तो आपको 5,000 मतलब कितने 5 साल की सजा है और 5,00,000 रुपए जुर्माना है। आप उसको काट के नहीं बंद कर सकते, उसको ज़रा सा भी छूने में भी डरते हैं लोग। यहाँ पे स्पेशली खाड़ी है तो खाड़ी के पास में फिशरमैन के घर हैं जो पुराने हैं, कैथलिक लोग हैं, उनके घर बने हुए हैं, लोग अपना घर बना कर भी रहते हैं इधर, फिशरमैन हैं ये लोग। शाम को पब्लिक देखिए वॉक कर रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा है, 3-4 किलोमीटर वॉकिंग हो जाता है ये इतना लंबा। तो जैसे पार्क है आर एन टी पार्क के साइड साइड खाड़ी बनी हुई है, और ये जा करके खुरगंदर में सुनने सुनती हूँ कि मिलने भी वाली है, क्या नेता लोग करते हैं वो तो आगे जाए, वो तो भविष्य के पिटारे में है।
और बहुत अच्छा बनता जा रहा है। ये देखिए, ये जो मैं अंदर से ले रही हूँ, ये इनकी जो है मूर्ति है। आपको ये जो गोल गार्डन है, इसमें इनकी आपकी मूर्ति लगी हुई है। अपने प्रेसिडेंट थे जो ना, अब्दुल कलाम आजाद की, उनका मूर्ति लगा हुआ है गोल। इसमें ही वो मैं बता रही थी ना कि बहुत अच्छे अच्छे अंदर बन रही है। खुला रहता तो मैं दिखाती कि बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। पता नहीं वर्ल्ड के कहाँ कहाँ के फ्लावर्स ले आके लगवाए हैं कारपोरेटर लोग। बहुत अच्छा बनाया, मेंटेन करते हैं हमारे कारपोरेटर, क्योंकि जैसल पार्क भैंदर, मीरा भैंदर की शान है ये चौपाटी। यहाँ पे बहुत डेवलप्ड हो गया, बहुत डेवलप्ड हो गया ये। पहले देखिए, ये है प्रियदर्शनी जॉगर्स पार्क है, उधर राम से फुटबॉल ग्राउंड मैंने दिखाया है, प्रियदर्शनी जॉगर्स पार्क है। ये देखिए बहुत अच्छा है, सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है और शाम को सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कर बैठ के किसी फ्रेंड्स ना पेड़ के नीचे, तो बहुत शांति लगती है, बहुत शांति लगती है। अभी हम आ गए गेट नंबर 2 पे, देखिए इससे अंदर हम जाते हैं, वो जो गोल ग्राउंड है उसके चारों तरफ, फिर बाहर का राउंड कर लो आप, फिर उसके अंदर अंदर चले जाइए, तो वहाँ पे आपको खाड़ी पर जाना पड़ता है। जिसे कभी बच्चे लोगों को बोट में घूमना है, कुछ करना है, तो वहाँ पे लगा के पूरा टिकट म्यूनसिपैलिटी से वो है उनके अपना, तो वहाँ से ले करके जाना पड़ता है। तो दूर तक जाके घुमा करके वो लाता है स्टीमर वाला, नाव वाला, बच्चों को घुमा करके या बड़े लोग भी जो भी घूमना चाहें वहाँ पे। ये देखिए नारियल के पेड़ सब जगह, गेट नंबर 2 है, बंद है, नहीं जाने दे रहा है, अंदर थोड़ा जा सकते हैं, वीडियो लेना मुझे जाने दो, मैं वीडियो बना जैसल पार्क के लिए लिखती हूं, कॉर्पोरेटर है यहां की जैसल पार्क, थोड़ा उसका नाम बता दूंगी तो जाने देंगे ये लोग मुझे। आप बोलोगे तब मालूम है, अभी शाम को खुलता था पर अभी ओमिक्रॉन ज्यादा बढ़ गया तो घूमना नहीं है, जाने नहीं देंगे, थोड़ा समय लेके आ जा रही हूं, जो भी वॉक करना है जो करना है, अंदर तो जाने ही नहीं देंगे ये लोग, जबकि अंदर ही बहुत बड़ा जॉगर्स पार्क है, बहुत बड़ा जॉगर्स पार्क है और बहुत ग्रीनरी, इतना अच्छा लग। देखिए हाँ, ये आपकी पुलिस चौकी है, ये देखिए बहुत अच्छा है, ये पुलिस चौकी है छोटी सी, ये अंदर है सब, ये देखिए हाँ इतना सुंदर बना हुआ है फ्रेंड्स। देखिए ये कोई रह चाहे नहीं, इंडिया में तो हर जगह स्ट्रीट डॉग रहते हैं, ये सोते रहते हैं। अभी मैं जर्मनी में को देख के बोलती हूँ कि वाह। और ये देखिए नाना नानी पार्क है, यहाँ पे पेपर पढ़े रहते हैं, वाचनालय है, आप आकर के लाइब्रेरी है, पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, नाना बूढ़े बूढ़ी लोग जो हैं मतलब ये पूरा वो है। ये देखिए फ्रेंड्स कहाँ, अभी मैं अंदर आ गई उससे बात करके, कबूतर को दाना खिलाने के लिए बना है, लोग दाना खरीदते हैं और खिलाते हैं कबूतर को, और म्यूनसिपाल्टी भी दाना देती है, वो कबूतरों के लिए ही पार्क, वो कबूतरों के लिए ही जगह बनी हुई है। यहाँ पर बहुत कबूतर, ये देखिए ये मैंग्रोव है उधर, ये देखिए पिजन वाला पार्क है, यहाँ पे लेके लोग इसमें फेंक देते हैं, पिजन आते हैं खाते हैं सब लोग जो बर्ड। देखिए उधर उसके आगे फिर समुद्र ही है, उधर देखिए ये गोलवारी पार्क का है, ये देखिए हाँ वो देखिए पानी दिख रहा है, अंदर जाने के लिए रोड बना हुआ है, आप जा सकते हो वहाँ पे। ये देखिए बेंचेज बनी हुई है बैठने के लिए, जब ये खुला रहता है तो कितने सारे, मैंने आपको गार्डन दिखा, कितने सारे ग्राउंड दिखा है, बहुत बहुत ग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ बैठो वहाँ घूमो इतना। और जब खुला रहता है ऐसे में तो यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना, वो खट्टे आम की नमकीन कुछ कुछ वो लोग बेचते रहते हैं, पानी का ना उधर नीचे जाइए, पानी का ना जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर है, पानी नीचे आई पे है, तो ये सब इंजॉय कीजिए। देखिए हाँ ये देखिए लगा इन्होंने पूरा वो लगा दिया है कि बच्चे थोड़े से मतलब बहुत कुछ केसेज ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी कोई बच्चे जाके कूद गए, बॉल खेलते हैं तो बॉल चली गई तो उनको लेने चले गए तो उन लोगों का बहुत हो गया, तो इसलिए ये लोग अभी पानी के पास जाने नहीं देते हैं। ये देखिए बेंचेज लगी हुई है, देखिए गेट लगा के रखते हैं, क्योंकि ये खाड़ी थोड़ी सी खतरनाक मतलब ऊँची नीची है, इसे समतल सी नहीं है, इसमें बहुत सारा बैड इंसिडेंट्स भी हुए हैं। देखिए ये स्टीमर है, ये लेके दूर तक घुमाने जाती है, ये आप जो देख रहे हैं फ्रेंड ग्रीन ग्रीन, ये मैंग्रोव, फिर उसके आगे भी खाड़ी है, उसके आगे भी खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है। यदि कभी आप भैंदर टू नायगांव गए होंगे तो देखेंगे ब्रिज से बहुत अच्छा व्यू दिखता है बहुत दूर तक, फिर ये सीधे उत्तन गोराई तक चली जाती है, उधर घोरबंदर तक जाती है।
खूब घूमी, अभी मैं वापस आ रही हूँ आपको दिखाते हुए। जब कभी भी आप फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे डे में आइए जब ये खुला रहता है तो मतलब बहुत आइसक्रीम वाला, नमकीन वाला, भेल वाला, फलूदा वाला सब अपना खाओ, खूब घूमो। इवन बच्चे अपने घूम झूले में खेलते हैं, हॉर्स वगैरह भी इधर चलते रहते हैं, हॉर्स में भी घुमा कर वो बच्चों को दूर खाड़ी तक ले जाते हैं, ले आते हैं। सब कुछ जुहू चौपाटी का इन्होंने कॉपी किया है पूरा। ये देखिए ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो पुलिस चौकी भी एक आ गई है उस भी। ये देखिए बाथरूम बने हुए हैं, किसी को आ जाए तो मतलब वॉशरूम बने हैं, जा सकते हैं लोग। यहाँ पे पैसे लेते हैं, जाने देते हैं, 5 रुपये शायद की कितना है एक बार जाने का। पीने का पानी भी देखिए फ्रेंड यहाँ पे है, नल में टैप वाटर लगा हुआ है, किसी को प्यास लगी तो पानी लेके पी ले। सब ये देखिए ये पुलिस के घर है, ये जा रहे हैं शायद पानी पीने, या बाथरूम जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो देखिए कितना अच्छा है, कितनी ग्रीनरी। ये देखिए जैसल पार्क चौपाटी मीरा भाईंदर, देखिए ये देखिए ये जैसल पार्क चौपाटी, घड़ी भी लगी है उसमें 6:32 बता रहा है, वेलकम जैसल पार्क चौपाटी। देखिए बहुत अच्छा बनाया है। ये भी इधर भी देखिए जैसल पार्क, ये देखिए वंदे मातरम, ये बाउंड्री वाल है उधर। अब आपको मैं देख रही हूँ ना, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ना, मतलब 11 MLA की है उधर, वो हमारे बिल्डिंग का, ये देखिए हमारे उसका ही कॉम्प्लेक्स है, उसकी बारी दीवार इधर इसमें मिलती है। ये देखिए आई लव मीरा भाईंदर, अच्छे से कारपोरेटर लोगों ने काम करवाया है कि बढ़िया नाम रहे हमारे उसका। देखिए ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका ये है। अब देखिए ये दूसरा ग्राउंड आ गया फ्रेंड खेलने के वाले बच्चों के लिए। ये है कौन सा ग्राउंड, मैं आपको भी फोकस करती हूँ, कैमरे को ले करके वो जूम करती हूँ। देखिए ये और दूसरा ग्राउंड है, मैंने कितने सारे ग्राउंड आपको दिखाए कि बहुत सारे ग्राउंड है, बहुत से गो ग्रीन। देखिए इन्होंने ये हमारे ही कॉम्प्लेक्स की दीवार है, जो आउटसाइड की दीवार है वो चौपाटी पर है। देखिए गो ग्रीन, ये क्या लिखा है, एक जीत बस आनंदी रहा, मराठी में लिखा है। आपको श्याम रहना है महाराष्ट्र में तो मराठी तो आनी ही चाहिए। ये देखिए ये भी फुटबॉल, ये भी ग्राउंड है खेलने के लिए, बच्चे बहुत खेलते हैं, कोई भी ग्राउंड, बड़े बच्चे ही क्या खेलते, बड़े बड़े लोग भी खेलते हैं। देखिए ये दूर तक चला जाता है, 3-4 किलोमीटर दूर तक चला जाता है, खाड़ी के पैरेलल बिल्कुल दूर तक चला जाता है। उधर पानी थोड़ा नीचाई पर है तो ऊपर ऊपर पूरे गार्डन और ये आपको ग्राउंड बना दिए गए हैं, बहुत अच्छा। देखिए ये ग्राउंड आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, देखिए मैंने लिया ये ग्राउंड, इसमें बहुत मतलब सब फंक्शन होता रहता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। देखिए पर इस समय सारे ही बंद करके रखा है इन लोगों ने, सारे ही बंद करके रखा है, कुछ भी उसके आपको जो मैंग्रोव पेड़ दिख रहे हैं उसके आगे जाइए तो सब पूरा सी ही है, समुद्र ही है आपको दिखेगा, क्योंकि खाड़ी थोड़ी नीचाई पर है और ये ऊँचाई पर बना हुआ है थोड़ा। ये देखिए इधर जो है बहुत अच्छा, भी मैं आज एक दिन में पूरा नहीं घुमा पाऊँगी, मैं थक गई, अब दूसरे दिन आऊँगी तो उस साइड कर लूँगी कि बंगलों के आप लोगों को दिखाऊँगी बंगलों कैसे बने हुए हैं। ये देखिए हाँ ये देखिए इनके जो है, ये यहाँ पे भी बंद रखा है, ये गेट भी बंद रखा है। हाँ देखिए कौन सा ग्राउंड है फ्रेंड, श्री बालाजी मैदान, श्री बालाजी खेल मैदान। कितने सारे आपको बताया ना मैंने, आपसे मैं फुटबॉल राम काप से मैदान की जगह प्रिय दर्शनी जॉगर्स पार्क, फिर बच्चों का किट जैनिया, फिर बालाजी फुटबॉल मैदान खेल मैदान है, फिर और उसके आगे 2-3 मैदान है, पर मैं एक दिन में नहीं कवर कर पाऊँगी, मैं थक गई चलते चलते, अभी दूसरे दिन आऊँगी तो फिर उसको लूँगी, दूसरे पार्ट में आपको दिखाऊँगी। देखिए जैसल पार्क चौपाटी, वेलकम जैसल पार्क चौपाटी, पर घड़ी भी लगी है, टाइम बता रहा है इनकी घड़ी। देखिए देखिए ये पर अभी क्या करेंगे, सब बंद किया है, मैं थोड़ा अंदर आई हूँ इनसे ये कह के कि मैं जैसल पार्क की मेरी फ्रेंड है डॉक्टर, भी मैंने उसका नाम बताया कि कुछ काम है तो आने देते हैं मुझे, नहीं तो फिर बाहर के ही जॉगर्स पार्क में आप घूमिए टहलिए घर जाइए, करने नहीं देते हैं कुछ भी, नहीं घूमने देते हैं ये लोग।
आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं थोड़ा इस तरह से कैमरा करके ले रही हूँ, देखिए कितनी रश है। ये भी जॉगर्स पार्क की ही है, बाहर वाले जॉगर्स पार्क की है। ये सब बैठे हुए हैं लोग, ये देखिए खाने पीने की चीज़ें। अच्छा हाँ, आप बाहर निकल के आइए फिर ना, क्योंकि सब दुकानें मिलेंगी सर। आप बोले सब चाइनीज, ये तो शर्ट्स है, हमारा बहुत अच्छा चाइनीज होता है, ये बहुत अच्छा है शर्ट्स। ये देखिए, हाँ देखिए, दिखाया ना मैंने ये शर्ट्स, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इनकी चाइनीज होती है। अब खोबे तो लगेगा कि चाइना में आ गए। इसके आगे भी सब शॉप्स हैं, टैटू बनवाते हैं लोग, सब करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं।